Next topic is degree of a polynomial in one variable. In case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called the degree of the polynomial. For example, 3x ka power 4 minus 5x square plus 1. It is a polynomial and highest power, it is a polynomial of one variable. X only variable group mein, x se aapka keval. तो यहाँ इसका हाईएस्ट पावर जो रहेगा, इसका पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, तो आपका 4 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 4, इस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है। सेकेंड टॉपिक में आते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से अधिक अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स हो तो उसका हम डिग्री कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑफटेन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं, 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 8, ये पॉलिनोमियल जो है टू वेरिएबल नंबर्स में है, x एंड y यहाँ पर है, तो ये आपका टू वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ x का पावर, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 फोर टर्म्स का पॉलिनोमियल है, तो प्रत्येक टर्म का हम देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है। तो फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर 3 है, सेकेंड टर्म में आते हैं तो x का पावर 2 है इंटू वाई का पावर 2 है, तो 2 और 2 ऐड कर देंगे, अलग अलग वेरिएबल से इसमें मतलब नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, तो यहाँ पावर्स को ऐड करके देखेंगे, तो 2 और 2 क्या हो गया 4, यहाँ पर एक्स वाई के रूप में है तो एक और एक पावर है तो यहाँ 2, यहाँ कोई पावर नहीं है, वेरिएबल नंबर्स नहीं है तो यहाँ 0, तो आपका ये सेकेंड टर्म में हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 4, सेकेंड टर्म में पावर 4 आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 3, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 0, दैट मीन्स सेकेंड टर्म का पावर जो है वही डिग्री कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 4। ओके,